अरमान मलिक और बहुत बड़ा ठरकी इंसान है और दो दो लड़कियों को साथ रखे हुए घूम रहा है। फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 3 कंटेस्टेंट अरमान मलिक की मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस टाइम पर वो बिग बॉस के घर में खेल रहे हैं अपनी पत्नी कृतिका मलिक के साथ, लेकिन बाहरी दुनिया में उनको लेकर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है वो आप सबके सामने है। अरमान मलिक बिग बॉस के कंटेस्टेंट है, ऐसे में उनसे जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं, ऐसे कई सारे विवाद हैं जो निकल निकल कर सामने आ रहे हैं। हाल ही में अरमान मलिक को लेकर ये बात सामने आई थी कि उन्होंने 11 साल की बच्ची के साथ रेप किया था, वो भी उसे ड्रग्स देकर, जिसके बाद अरमान के खिलाफ दिल्ली में बकायदा FIR भी दर्ज की गई थी और उन्हें अरेस्ट भी किया गया था। इस पूरे मामले में अरमान का साथ दिया था उनकी पत्नी पायल मलिक ने, ऐसा हम नहीं बल्कि जो पीड़िता है उसकी FIR रिपोर्ट बता रही है, जिसमें उसने बताया था कि किस तरीके से अरमान मलिक के घर में वो काम करने गई और वहां पर इंजेक्शंस देकर, ड्रग्स देकर उसका कई बार रेप किया गया। अब दिल्ली में तो अरमान मलिक के खिलाफ पहले ही FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब बड़ा मामला सामने आया है जब अरमान मलिक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है मुंबई में। जी हाँ, मुंबई में अरमान मलिक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और ये सब कुछ कराया है फेमस यूट्यूबर फैजान अंसारी ने। फैजान अंसारी ने FIR दर्ज कराई है अरमान मलिक के खिलाफ, वो भी मुंबई में, और ये पूरा मामला है 11 साल की बच्ची के साथ रेप का। आप देख सकते हैं जो FIR रिपोर्ट सामने आई है उसमें लिखा है कि आपसे अनुरोध है, मेरा नाम फैजान अंसारी है, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। अरमान मलिक नाम के एक यूट्यूबर ने ड्रग्स देकर 11 साल की नाबालिग लड़की का बलात्कार किया और अरमान खुद एक ड्रग्स लेने वाला मुजरिम है। इस बड़े अपराध में उसकी पत्नी पायल मलिक भी बराबर की भागीदार हैं और ये दोनों खुलेआम घूम रहे हैं। फिलहाल ये मुंबई में है। कमिश्नर साहब, मेरा निवेदन है इस बड़े ड्रग्स के अपराधी के खिलाफ तुरंत अरेस्ट वारंट जारी किया जाए और एक छोटी बच्ची के साथ इस तरीके का घिनौना अपराध करने के लिए इसको फांसी की सजा दी जाए। दिल्ली में FIR होने के बाद अब 22/7/2024 को मुंबई में FIR कर रहा हूं, क्योंकि एक अपराधी अभी मुंबई में है। जिस 11 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध हुआ उसने अभी ठीक से दुनिया देखी भी नहीं थी और इतने बड़े अपराध की सजा सिर्फ फांसी होनी चाहिए। यानी कि फैजान अंसारी ने अरमान मलिक के खिलाफ ना सिर्फ FIR दर्ज कराई मुंबई में बल्कि फांसी की मांग भी की है। अरमान मलिक को लेकर ये पहला ऐसा विवाद नहीं है, पहली ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है जो अब निकल कर सामने आई हो। ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं जो कि अरमान के नाम से जुड़ी हैं। आपको बता दें, अरमान हालांकि बिग बॉस के घर के अंदर काफ़ी अच्छा गेम खेल रहे हैं, उनकी जो वाइफ है पहली पायल मलिक वो शो से पहले हफ्ते ही इविक्ट हो गई थी और ऐसे में पायल मलिक के बाहर आने के बाद लगातार वो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी झेल रही हैं। पायल मलिक ने हाल ही में ये भी अनाउंस किया है कि जब अरमान और कृतिका घर से बाहर आ जाएंगे तब वो अरमान से डाइवोर्स ले लेंगी, अपने बच्चों को लेकर अलग हो जाएंगी। इसके साथ ही कई सारे वीडियोस में वो रोती धोती भी नजर आई हैं। अब पायल मलिक अरमान से डाइवोर्स लेंगी या फिर नहीं ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल पायल और अरमान की मुश्किलें काफ़ी बढ़ने वाली हैं क्योंकि दिल्ली के बाद अब मुंबई में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, वो भी फेमस यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी की तरफ से। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।